दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनी ने एक बार फिर से धूम मचा दी है और भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने एक ट्यूब लॉन्च सुसाइड ड्रोन को बनाकर तैयार कर लिया है जिसका नाम अल्फा एस ड्रोन होगा। ट्यूब लॉन्च होने की वजह से इस ड्रोन का इस्तेमाल हमारी तीनों सेनाएं कर सकेंगी। भारतीय थल सेना इसका इस्तेमाल मैन पैड की तरह करेंगी क्योंकि इसको मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम में भी लगाया जा सकता है। वायुसेना इसको अपने हेलीकॉप्टर पोर्ट में लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकती है और भारतीय नेवी इसका अपनी फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस ड्रोन का वजन केवल 7 किलोग्राम होगा, स्पीड इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, रेंज इसकी 150 किलोमीटर होगी। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन दिन और रात दोनों में सर्विलांस करने में भी सक्षम होगा, साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम होगा। इसका एंड्योरेंस टाइम यानी कि इसकी उड़ान भरने की क्षमता 60 मिनट होगी। इसके अंदर हीट और थर्मोबैरिक वॉरहेड लगाया जा सकेगा।